अच्छा तो ये है ग्वालकंदर यार, मुझे किसी ने बताया था कि ये बालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे भूल के पता नहीं इसमें क्या क्या था। सो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ हमें वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए कि इसको बालों के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। ये है ग्वालकंदर ही है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन ये है कि आज मैं अपने जो दोस्त हैं जिन सब ने वैक्सीन लगवाई है उनसे पूछूंगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको कैसा फील हुआ और वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई या नहीं हुई। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि बुखार हो जाता है, बाजू में दर्द होता है, ऐसा वैसा है, लेकिन उनसे पूछेंगे जिन्होंने लगवाई है। मैं खुद लगवाई है और मैं अपना भी बताऊंगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ वैक्सीन लगवाने के बाद। क्योंकि वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी हैं, तो जो हर कैटेगरी है उसका जो अपना असर है वो अलग है। सो सबसे पूछते हैं और उनका क्या राय फिर आपको बताते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। आज हमारा अगर दिल कर ही गया है कि अपनी लक आजमाने का, तो हमें शॉप नहीं मिल रही। शॉप मिली है वो पहले से ही बंद है, अभी दूसरी पे जा रहे हैं जहाँ से वो लकी ड्रा मिलते हैं नंबर, और दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है बंद है। अभी देखते हैं कि अगर कोई मिल गई तो आज हम भी अपनी लक आजमाएंगे। यहाँ पे एक नंबर मिलता है, चार नंबर होते हैं, अगर वो आपके नंबर सेम निकल आए तो लकी ड्रा में आपका जो इनाम है वो निकल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रकम होती है। सो आपको लक अपनी आजमानी चाहिए, कभी ना कभी आपकी लक साथ दे जाती है। अगर आपकी लक साथ दे जाए तो आपकी लाइफ बदल सकती है। सो हम भी वही कर रहे हैं और फाइनली हमें दुकान मिल गई और नंबर भी सेलेक्ट कर लिए। अभी देखो इसका रिजल्ट आता है मेरा ख्याल 7:30 बजे, तो देखते हैं कि हमारी लक हमारे साथ क्या सलूक करती है। अच्छा अभी मेरे साथ कुर्बान है और मैं कुर्बान से पूछता हूँ कि जब इसने वैक्सीन लगवाई तो इसको कैसा महसूस हुआ, इसने अपने जो जिस्म में क्या तब्दीली महसूस की। तो कुर्बान आपने बताओ आपको कितनी देर हो गई है वैक्सीन लगवाए? वैक्सीन लगवाए तकरीबन हो गए 10-15 दिन हो गए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं असल में ना कुछ खाया पिया भी नहीं था, ऐसे ही चला गया था। तो वैक्सीन लगवा के आया, उसने पूछा था कुछ खाया पिया, मैंने बोला कुछ, उसे झूठ ही बोला कि मैंने बोला 5-6 घंटे पहले खाया है, लेकिन नहीं था खाया पिया। लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन लगवा के आ गया। फिर दूसरे ने भी लगवाया, उधर एक लड़का और भी था, बंगला था, वो आया तो उसने बाजू को पकड़ लिया। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, उसने बोला बहुत दर्द हो रहा है। कुछ लोगों के बाजू में दर्द होता है और साथ में बुखार होता है, कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं होता है, ठीक है ना। वो अपने अपने जिस्म की कोई बात है, ऐसे कोई किसी को बोल नहीं सकता। बिल्कुल मुझे तो ना बुखार हुआ ना कुछ। उस दिन सारा दिन बारिश थी, मैं बारिश में उधर बाहर बैठा रहा, लेकिन नहीं कुछ हुआ। मुझे जब वैक्सीन लगवाई थी तो उसने भी मुझे यही बोला था, आपको बुखार भी होगा, आपके सर में भी दर्द होगा, लेकिन मुझे नहीं हुआ। उसने मना किया था कि आपने फ्रिज वाला पानी नहीं पीना, कोई बोतल शोतल नहीं पीनी है, कोई जूस वगैरह नहीं पीना। तो मैंने पानी पिया और या कॉफ़ी पीता था, जो कॉफ़ी हो ब्लैक कॉफ़ी है ना वो पीता था, या पानी पीता हूँ या खाना खाता हूँ, और कुछ भी नहीं। उसने बोला कि 2 लीटर एक दिन में लाजमी पानी पीना, तो बस उसकी बात पे अमल किया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों को हो जाता है जी। ये था पॉइंट ऑफ व्यू कुर्बान का। कुर्बान ऑलरेडी लगवा के आ चुका है, इसको मेरा ख्याल 10 दिन हो गए इसने वैक्सीन लगवाई है, और अभी मेरे साथ मौजूद है तोहीद। तोहीद और मैंने इकट्ठी वैक्सीन लगवाई थी, आपने व्लॉग में देखा होगा। सो तोहीद से पूछते हैं कि उसको क्या हुआ महसूस जब उसने वैक्सीन लगवाई। जी तोहीद साहब अस्सलाम वालेकुम। तो जब आपने वैक्सीन लगवाई तो आपको वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ तब्दीली महसूस हुई? नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद तो कुछ नहीं हुआ, तकरीबन 6-7 घंटे तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हल्का सा दर्द होने लगा था बाजू पे, तो रात को बहुत बुरा हाल था। जिस दिन लगवाई थी उस रात को बहुत तेज़ बुखार था, ठंड लग रही थी, परेशानी थी, पसीना बहुत आ रहा था। तो इसी वजह से सब लोगों को जिन्होंने भी लगवाई थी, क्योंकि हमने फीजर लगवाई थी जो सबसे हैवी होती है, तो इस वजह से मुश्किल तो हुई थी, पर एक एक दो दिन हुआ था, फिर पैनाडोल खाई, फिर ठीक हो गया। अभी कोई जब आपने वैक्सीन लगवाई तो जिसने लगाई थी वैक्सीन उसने भी आपको बोला था कि ऐसा आपके साथ होगा? हाँ, सारी बात है, सारे बताते हैं कि आपको एक दो दिन मुश्किल होगी, क्योंकि इंसानी जो अंदरूनी हमारा हिस्से होते हैं उसको ये बहुत ताकतवर होती है, इसको हज़म करने के लिए तो टाइम तो चाहिए ना, इतनी जल्दी हम आम इंजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इसके लिए आपने क्या क्या परहेज़ की?
मैंने परहेज़ तो कुछ नहीं किया, बस ठंडा कोई ठंडी चीज़ नहीं पी, गर्म पानी पिया और पैनाडोल खाई, तो बस इसी वजह से अभी ठीक है, नॉर्मल है जैसे। तो अभी आप बेहतर हैं? हाँ अभी तो ठीक है, घूम फिर रहे हैं, अभी हफ्ता हुआ है तो ठीक है, अभी तो ओके जी, ओके जी, ये था वैक्सीन पॉइंट ऑफ व्यू तो ईद का। अभी ये फजल हमारे पास है, फजल से पूछते हैं कि जब इसने वैक्सीन लगवाई तो इसको कैसा महसूस हुआ? बहुत बुरा महसूस हुआ, ये पीछे दर्द होने लगा और बाजू में बहुत दर्द होने लगा और एक पूरी रात सो नहीं सका। अब तबीयत ठीक है? हाँ अब ठीक है, सही हो गया जी। इसका भी आपने देख लिया कि इसकी भी तबीयत ख़राब हुई थी। तो अब मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने लगवाई थी तो मुझे नहीं ऐसा महसूस हुआ, बुखार वगैरह कुछ नहीं हुआ और बाजू में भी दर्द नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक था। लेकिन जो हमारे साथ दूसरे दोस्त थे उनको थोड़ा सा महसूस हुआ। ये अपने अपनी बॉडी का होता है कि आपकी बॉडी में कितनी कुव्वत मज़ाहमत है, तो कुछ लोगों की जो बॉडी है वो बर्दाश्त कर जाती है इसको, कुछ लोगों की बॉडी जो है वो एक दो दिन के लिए डिस्टर्ब होती है। बाकी इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। एक दिन या दो दिन, हद दो दिन होता है और उसके बाद आप नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाते। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद का। तो अभी हम पूछते हैं कि ये कुर्बान ये भी कुछ बताना चाह रहा है। हाँ ये तो बात है, तकरीबन छोटी मोटी कोई बीमारी हो आदमी को, बड़ी नहीं छोटी मोटी हो, कोई जिस्म में कहीं पे दर्द हो वो भी ठीक हो जाता है। जिसका अक्सर सर में, मेरा अक्सर सर में दर्द रहता था हफ्ते में एक दो बार, लेकिन अब जबकि वैक्सीन लगवाई है सर में दर्द भी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बराबर ठीक है, थोड़ा सा वैन से परहेज करो, वैन नहीं करो तो सब ठीक हो जाता है। ये अक्सर लोग बातें करते हैं कि वैक्सीन लगाओ तो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाओ 2 साल के बाद आदमी मर जाता है। वहम का इलाज नहीं है, वहम का इलाज नहीं है, वहम नहीं करो, वैक्सीन ठीक है लगवा। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है यार, आपको कुछ नहीं जाता, जस्ट आपने जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना है और सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप। सो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।